हे गाइस, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल जर्मन टॉक्स। सो अगेन हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेटवर्क ए टू चैप्टर नंबर वन। हमने पिछली क्लास में यहाँ तक देखा था, यस, जहाँ पे हमने ये एक्सरसाइज करी थी। नाउ सेम ग्रामर टॉपिक पे ये वाली एक्सरसाइज भी है। द नेम ऑफ द ग्रामर टॉपिक इज व्हाइल। व्हाइल मीन्स बिकॉज। सो इसमें हमें करना क्या है, हमारे पास दो हॉपजांस दिए हुए। हॉपजांस का मतलब क्या होता है, मेन सेंटेंस, आइंस उन जुआए, ठीक है। हमारे पास दो सेंटेंस दिए हुए हैं, फर्स्ट सेंटेंस एंड दो एंड सेकेंड सेंटेंस। दिस इज वन सेंटेंस, दिस इज सेकेंड सेंटेंस, ओके। हमें इसको करना क्या है, हमें इसको व्हाइल कनेक्टर से पुट यूज़ करके एक कंप्लीट एक सेंटेंस बनाना है। ये है हमारा मोटिव, ठीक है। व्हाइल हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम दो सेंटेंस को कनेक्ट कर सकें, ठीक है। व्हाइल हम क्यों यूज़ करते हैं, कोई रीज़न दे सकें इसलिए, ओके। तो पहली चीज़ तो ये जो हॉब्जर्ट्स का मतलब क्या होता है, यही होता है मेन सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद में एक और टर्म आती है, वो है नेबनजार्ट्स। नेबनजार्ट्स का क्या मतलब होता है, नेक्स्ट सेंटेंस। जो ये वाला सेंटेंस है इसको हम बोलते हैं नेबनजार्ट्स, नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है। और मेन सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, हॉब्जर्ट्स। ठीक है, जैसे ये दोनों के दोनों सेंटेंस अगर आप बिना कनेक्टर के यूज़ करते तो ये दोनों भी हॉब्जर्ट्स ही कहलाते, ओके। तो हमें क्या करना है, मेन हमें यहाँ पे एक कनेक्टर व्हाइल यूज़ करना है एंड देन हमें नेबनजार्ट्स में उसको फिट करके देखना है, ओके। जो यहाँ पे इन्होंने ये सब चीज़ें लिख रखी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो दो चीज़ें हैं वो ये है, ये हॉब्जर्ट जो है वो ये चीज़ है, और ये नेबनजार्ट जो है वो ये है, ओके। आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी कि बताने क्या चाह रहे हैं, ओके, ठीक है। तो पहले हम दो हॉब्जर्ट्स को देखते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश में भी हमें कोई दो सेंटेंस है हमारे पास, उसको हमें बाद में बिकॉज से बनाना है। तो पहले हम वो दो मेन सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर वन, लीना का निस्ट कॉमन, ये सेंटेंस वन है। सेंटेंस टू क्या बोलता है, जी बेजुक्ट ईयर एंड फाटर। लीना कैन नॉट कम एंड शी विजिट्स हर फादर, ठीक है। दो सेंटेंस हो गए हमारे पास, लीना का निस्ट कॉमन, जी बेजुक्ट ईयर एंड फाटर। अब हमें क्या करना है, हमें इनको दो सेंटेंस को व्हाइल से जोड़ना है, व्हाइल कनेक्टर से, ओके। और वही एक्सरसाइज हमने यहाँ पे भी देखी थी कि हम व्हाइल को यूज़ कैसे करते हैं। व्हाइल का मैंने अलग से ग्रामर टॉपिक भी बना रखा है ए टू के सीरीज़ में, आप वो भी देख सकते हो, ओके। तो देखते हैं, अब हमें इसी सेंटेंस को यहाँ पे व्हाइल से यूज़ करना है। सो पहला सेंटेंस तो वही रहेगा, लीना का निस्ट कॉमन, ठीक है। तो हम पहले जो सेंटेंस है हमारा वो एज इट इज़ इधर आ गया, ओके। देन हमें व्हाइल यूज़ करना है, तो हम पे व्हाइल लिखते हैं, व्हाइल बिकॉज, एंड उसको अपने फादर के यहाँ विजिट करना है। सो व्हाइल जी ईयर एंड फादर बेसुक्ट, ओके। अगेन ऑलरेडी ये चीज़ बता रखी है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ पे हमेशा फोकस रखना, ये कॉन्जुगेट हो रहा है, ऐसे क्या होता है टू विजिट, ओके। मैं इसको हटा सकते हैं अब हम, ओके। बेसुखन, बेसुखन मीन्स क्या होता है, टू विजिट, टू विजिट किसी से मिलने जाना, ठीक है। मगर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कॉन्जुगेट हो रहा है, यहाँ पे टी लग रहा है इसके लिए, सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ओके। तो इसका आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे बेसुखन मत लिख देना, अगर ये आप लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, आपको कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगेन मैं वापस बता रहा हूँ, मैंने वाइल का ग्रामर टॉपिक बता रखा है, सब चीज़ें वहाँ पे हमने कर रखी है ऑलरेडी, मगर स्टिल आप भूल गए हो तो वापस एक बार नोट बनाइए
और इधर लिखिए कि हम एंड में मेन वर्ब रखते तो हैं बट हम उसको कॉन्जुगेट भी करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए जर्मन लैंग्वेज में मेन कॉन्जुगेशंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर आप कॉन्जुगेट ही नहीं कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट, आपको वो करना ज़रूरी है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ इश कॉमन, ठीक है, मुझे इश कॉमन ही बोलना पड़ेगा, मुझे उसको कॉन्जुगेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू माई सब्जेक्ट, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी कनेक्टर्स में भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कॉन्जुगेशंस का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये सही है रहता है, ये गलत फॉर्म रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, बैन श्राइब्ड देन फ्रॉन्डिन। ठीक है, तो ये तो एज इट इज ही है, जो हमारा मेन सेंटेंस है उसको तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वाइल इसके बाद वाले सेंटेंस में हम लगा रहे हैं। बैन ने अपने दोस्त को लिखा बिकॉज एयर एंड डैश। ठीक है, तो अभी हम किसको देखेंगे, ये वाला हमारा हो गया, अब हम इसको देखेंगे सेंटेंस बनाने के लिए क्योंकि ये हमारा दूसरा हब्दार्थ है, ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, तो हम इसको देखते हैं। सो वाइल एयर, एयर एज इट इज, अब वर्ब कौन कौन से हैं यहाँ पे, पहली चीज़ तो आपको ये भी देखना पड़ेगा वर्ब कौन कौन से हैं इधर, पहला दूसरा। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, वाइल एयर जी तो एज इट इज आ जाएगा जी, देन अब मुझे बताइए पहला ये आएगा या ये आएगा, सो वाइल एयर जी आइन लार्डन विल। ठीक है, ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको इधर भी बताया था, अगर आप पुराना वाला लेक्चर देखोगे तो ये मोडल वर्ब वाला मैंने ग्रामर टॉपिक में आपको बता रखा है। ठीक है, कि हमने पहले इसको लिखा है फिर इसको लिखा है। ओके, फेलिक्स कॉम्ड गैन में ये एज इट इज रहेगा हमारा। ओके, देन उसके बाद में हमारा दूसरा हॉब्जार्ट्स ये वाला, एयर हार्ट बैन लांग निस्ट गेजेन। ठीक है, सो वाइल एयर बैन लांग निश्ट एंड देन अब क्या आना चाहिए, हमारे पास दो अप है गेजे एन भी हार्ड भी है, पहला क्या आएगा, अगेन प्रीवियस वाले लेक्चर में भी अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे बता रखा है ये वाला लॉजिक इधर। ठीक है, गेजेहन हार्ट। ठीक है, इसको हम इधर लिख लेते हैं क्योंकि वर्ब का इधर है आइन लाडेन। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे ये लोग यही बता रहे हैं कि हमने यहाँ पे वाइल यूज़ कर लिया, हमने यहाँ पे वाइल यूज़ कर लिया, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट हमारी यूज़ कर ली। ठीक है, हमने हमारे यहाँ पे वर्ब यूज़ कर लिए, आप देखोगे हमारे इधर जितने भी हैं ये वर्ब्स है, वर्ब्स कोई भी हो सकते हैं, मेन वर्ब हो सकता है आपका, आपका हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, आपका मोडल वर्ब हो सकता है। ठीक है, वो सब वर्ब्स में आ रहे हैं, अब उनको पुट कैसे करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे हमने हाबिन और जाइन लगाया है तो ये परफेक्ट के केस में चल रहा है, हाबिन जाइन प्लस परफेक्ट, इसलिए तो सेहन को हमने गे सेहन लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमने मोडल वर्ब यूज कर रखा है इसलिए यहाँ पे जो आइन लाडन है वो आइन लाडन ही है, आइन गे लाडन नहीं हो गया, परफेक्ट में हमने उसको नहीं बनाया, वो ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, तो इसलिए उन लोगों ने जो बुक में, इसलिए उन्होंने ये दो एग्जांपल भी आपको दे रखे ताकि आपको इनमें कन्फ्यूज़ नहीं हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये वाला जो जितना भी हमने डिस्कस करा है
और इसके प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको एक बार रिवीजन कर रखा था। ठीक है ना, फ्रागन उमर जीबन से वास पास जुजामेन ऑर्डन जी जू उन श्राइबन जी जेट से मित वाई। ओके ना व्हाट वी आर व्हाट आर थिंग्स विच व्हाट आर द सेंटेंस विच गोइंग टू फिट टुगेदर एंड वी नीड टू राइट इट विथ वाइल। ठीक है, हमें उसको वाइल से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दे रखा है आइंस ए, आइंस एंड देन ए। अब देखिए बैन लार्ड जाइन एंड फ्रॉइन आइन आइन लार्डन है, उसको इन्होंने ट्रेन बाब से कॉन्जुगेट करके ऐसा लिख दिया यहाँ पे। देन सिंपली वाइल, वाइल कनेक्टर यूज करा, सब्जेक्ट ये रहा हमारा सब्जेक्ट, हमारा ये रहा वर्ब एंड विदर द एयर, विदर द और एज इट इज जो हमारा वर्ब था वो पीछे आ गया, हेल्पिंग वर्ब। ओके ना, सेकेंड बैन हार्ट फील आइन गेकॉफ्ट, बैन ने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली। देन एंड वाइल, फिर हमें रीज़न देना है। तो सेकेंड वाला अभी हमें पता नहीं किसके साथ में आएगा ये, पहले हम लिखते हैं बैन हार्ट फील आइन गेकॉफ्ट। ठीक है, मुझे कनेक्टर यूज़ करना है मेरा वाइल। ठीक है, अब मुझे रीज़न देना है क्योंकि मैं बिकॉज के साथ हमेशा रीज़न देते हैं हम। सो बिकॉज, अब क्या आएगा आंसर, बिकॉज हमने ऊपर जो लेजन था उसमें भी पढ़ा था, क्योंकि उसको अपने दोस्तों के साथ खाना खाना था। सो बिकॉज डे एर म्योस्टे मिथ जाइन एन फ्रॉइंड एन एसन। ठीक है, तो हमें ये तो पता पड़ गया कि ये आएगा। अब इसको लिखना कैसे वापस डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें वर्ब कौन कौन से हैं। ठीक है, मोडाल वर्ब एंड एसन। ठीक है, हमारे पास दो वर्ब है तो बस इन दोनों को हमें पीछे रखना और बाकी का एज इट इज आ जाएगा। वाइल एयर मिथ जाइनेन फ्रॉन्डेन इज फ्रेंड्स। अब दोनों में से पहला कौन सा आएगा, हमने ऊपर भी डिस्कस करा है, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे इधर और इधर। ठीक है, तो मेन वर्ब उसके बाद मोडाल वर्ब, एसन एंड देन म्योस्ट। ओके, बस ये स्ट्रक्चर था, वाइल एसन एंड म्योस्ट। ओके, आई होप आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब इसके अलावा जितने भी सेंटेंस आई होप आप बना सकते हो, प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी आपको सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए। ओके / टॉक्स के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको अकाउंट मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, एंड मैं वहाँ पे आपको आंसर्स के प्रोवाइड कर दूँगा। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्योरन। ओके देखिए, मैं बताने में बता सकता हूँ ये वाला भी, बट ये वाले सारे जितने भी सेंटेंसेस हैं हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर रखे हैं, इनके आंसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इधर ये मार्क हूं रेन और ऑल। ओके, और जब तक आप अपने अपने सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब जब आप सेंटेंस बनाओगे तब आप खुद ही देखोगे कि अच्छा कहाँ पे मोडाल वर्ब लगाना है, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कहाँ पे मेन वर्ब लगाना है। तो जब आप खुद से लिखोगे तो आपको और ज़्यादा सब पता पड़ेगा कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, नाउ ह्योरन, ह्योरन जी दास गेशप्रेश नॉक आइनमाल वास अगेन लिया उन बैन क्रॉस इन जियान। ठीक है, हमें इसमें एक ह्योरन दिया हुआ है, वो हमें प्ले करके सुनना है।
एंड हमें यहाँ पे ये देखना है कि एटवास फोरशलागन, एटवास फोरशलागन का मतलब क्या होता है? टू सजेस्ट समथिंग, टू सजेस्ट समथिंग। ओके, जू सागन का क्या मतलब होता है? टू एक्सेप्ट। अब सागन का क्या मतलब होता है? कैंसिल। ठीक है, नाक फ्रागन का क्या मतलब होता है? टू डिमांड और टू इंक्वायर। ठीक है, अब ह्योरन ये जो है अब ये A2 लेवल का चलेगा। ओके, नाउ वी आर नॉट इन इवन लेवल जहाँ पे थोड़ा बहुत डायरेक्ट होता था, अब यहाँ पे हल्का फुल्का डायरेक्ट भी होगा, थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट भी होगा। ओके, तो हमें जितना भी ये चीज़ें हैं ये हमें मार्क करनी है कि वो ह्योरन में क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये सब चीज़ें के मीनिंग पता होंगे। फॉर एग्जाम्पल, गेहन वे जुजामेन, कैन वी गो टुगेदर, इश्मोस्टे आई वॉन्ट, हाज डू आउ क्लोज, डू यू ऑल्सो वॉन्ट, हाज डू आम उम जाइट, क्या तुम्हारे पास इस टाइम पे टाइम है, दास इज आइने गुटे दर, दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया, ओ या गैन आइन फर्स्टैंडन, इश्मोस्टे गैन आबर, आई वुड लाइक टू बट शाडे दास गेट एस लाइडर निश्त बैड अबर अनफॉर्चुनेटली दैट विल नॉट गोइंग टू वर्क, दास कान इश लाइडर निश्त वाइल दैट आई अनफॉर्चुनेटली कैन नॉट बिकॉज दास म्योस्टेज डू वन गेट एस आउक कार्निश मिड ब्रिंगन कैन आई ऑल्सो ब्रिंग विथ मी। सो आई होप आपको इन सब के मीनिंग पता होंगे। ठीक है, अब हम ह्योरन सुनते हैं, उसके बाद हम इनके आंसर्स डिस्कस करते हैं। Hallo Lea. Hi Ben. Wie war dein Urlaub? Schön, aber viel zu kurz leider. Und wie geht's deinem Vater? Er war richtig krank. Aber jetzt geht es ihm wieder ein bisschen besser. Das ist gut. Und wie geht's dir? Alles okay. Du, ich möchte dich mal wieder sehen. Dann musst du mir von deinem Urlaub erzählen. Gehen wir zusammen essen? Vielleicht am Wochenende? Oh ja, gern. Hast du am Samstagabend Zeit? Schade, da geht es leider nicht, weil ich zu einem Konzert gehe. Ich habe Tickets für Felix Jähn in der Tonhalle. Und am Sonntag geht es da? Wir können zum Brunch gehen, ins Zentral am Karlsplatz. Hast du Lust? Das ist eine gute Idee. Wann möchtest du dort sein? So um 11, geht das? Geht es auch ein bisschen später? Dann kann ich am Vormittag noch schwimmen. Ist 12 Uhr gut? Ja, das passt. Dann sehen wir uns am Sonntag im Zentral. Ja, genau. Am Sonntag um 12. Das ist doch super. Ich freue mich. Ciao, Lea. Ciao. ओके, आई होप आपने आंसर्स जो है वो मार्क करने का ट्राई करा होगा। ठीक है, अगर कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एक बार वापस सुन के शायद सुने तो और हम आंसर्स मार्क कर सकते, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस बैक करिए और वापस ह्योरन सुनिए। आप 2 बार सुनिए, आप 3 बार सुनिए, आप 4 बार सुनिए। ठीक है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे ह्योरन इम्प्रूव कर रहे हैं, अभी कोई एग्ज़ाम नहीं चल रहा है। ठीक है, जितना आप इम्प्रूव करोगे, जितना सुन सकते हो, उसके बाद आंसर्स मार्क करोगे, बहुत अच्छी बात है। मगर फिर एक बार ट्रांसक्रिप्ट हमने देख ली तो फिर उसके बाद वो ह्योरन फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये सब मुझे आता है, तो ज़्यादा अच्छा है कि विदाउट ट्रांसक्रिप्ट अगर आप 2 से 3 बार सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो। ठीक है, अब मैं तो इधर बार बार प्ले नहीं कर सकता हूँ, बट यू कैन प्ले वन मोर टू मोर टाइम्स। ओके, एंड यू कैन मार्क द आंसर्स। ठीक है, अब हम ट्रांसक्रिप्ट पे आते हैं, हम ट्रांसक्रिप्ट के अकॉर्डिंग ह्योरन सुनते हैं, देन वी आर गोइंग टू मार्क द आंसर्स। ठीक है, हमारे पास ये ट्रांसक्रिप्ट है उस ह्यूरन की। ठीक, मैंने ऑलरेडी जो सजेशंस थे, एक्सेप्टेंस, रिजेक्शंस एंड डिमांड, मैंने ऑलरेडी अलग अलग हाईलाइट से मार्क कर रखे हैं। ओके, अब हम वापस सुनते हैं और अब आप देखिए कि आपको कितना क्लैरिटी से समझ में आएगा।
Hallo, Lea. Hi, Ben. Wie war dein Urlaub? Schön, aber viel zu kurz leider. Und wie geht's deinem Vater? Er war richtig krank. Aber jetzt geht es ihm wieder ein bisschen besser. Das ist gut. Und wie geht's dir? Alles okay. Du, ich möchte dich mal wieder sehen. Dann musst du mir von deinem Urlaub erzählen. Gehen wir zusammen essen? Vielleicht am Wochenende? Oh ja, gern. Hast du am Samstagabend Zeit? Schade, da geht es leider nicht, weil ich zu einem Konzert gehe. Ich habe Tickets für Felix Jähn in der Tonhalle. Cool. Und am Sonntag geht es da? Wir können zum Brunch gehen, ins Zentral am Karlsplatz. Hast du Lust? Das ist eine gute Idee. Wann möchtest du dort sein? So um 11. Geht das? Geht es auch ein bisschen später? Dann kann ich am Vormittag noch schwimmen. Ist 12 Uhr gut? Ja, das passt. Dann sehen wir uns am Sonntag im Zentral. Ja, genau. Am Sonntag um 12. Das ist doch super. Ich freue mich. Ciao, Lea. Ciao. Okay, I hope ab aapko ट्रांसक्रिप्ट देखने के बाद थोड़ा और ज़्यादा समझ में आया हो कि कैसे आंसर्स मार्क करने. ठीक है, आपको A2 के ह्यूरन को सीरियसली लेना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया है. 2 से 3 बार ह्यूरन को सुनिए. ठीक है, ह्यूरन मुझे नहीं पता कितने मिनट का था, 2 मिनट का था, 3 मिनट का था. ठीक है, मगर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ उसको बार बार सुनिए. 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, उससे आपका ही ह्यूरन इम्प्रूव होगा. ठीक है, उसके बाद एंड में ट्रांसक्रिप्ट इज़ ऑलवेज हम एंड में देखते हैं. ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट हम तब तक देखते हैं जब हमारे आंसर्स सब मार्क हो गए हैं. उसके बाद हम वहाँ पे मैच करते हैं कि जो हमने सुना था वो हमने आंसर्स का सही मार्क करें हैं कि नहीं करें. ठीक है, सो आई होप आपको ये ह्यूरन पार्ट और ये ग्रामर पार्ट दोनों अच्छे समझ में आया होगा. ये ग्रामर पार्ट विद वाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब टीचर आपसे एक्सपेक्ट करेगा, जो आपका एग्जामिनर होगा गोएथे में, कि आप एक्सप्रेशन में, श्राइबन में, राइटिंग में, स्पीकिंग में आप वाइल को यूज़ करें. वाइल के साथ साथ इस A2 में बहुत सारे कनेक्टर्स आने वाले हैं, अराउंड 7 to 8. ठीक है, पैटर्न सबका सेम ही है कि कॉमा के बाद ये है, बस उनकी वर्ब की पोजिशन चेंज हो जाती है. ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, कुछ नॉलेज मिली है, कुछ नया समझ में आया है. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा. ठीक है, ताकि हम आने वाले और वीडियोस और जल्दी बना सकें.